दिखाना जरा। अरे भाई भाई ये गाड़ी लेके बाहर घूमने जा रहे हो? हाँ मम्मी को ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ। यू वांट टू सिट, जगह गए। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। सो व्हाट्स अप गाइस, मौसम का हाल देखो। सुबह इतनी अच्छी धूप निकल आई थी और अब देखो कैसा हो रहा है मौसम। मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन फिर से वही बादल बादल बारिश का मौसम हो रहा है तो कपड़े धोना कैंसल। टीवी चल रहा है और ये दोनों मेरे कुंभकर्ण सोए पड़े हैं और इधर मल्लन साहब डिंपल डिंपल ही करी जा रहे हैं। बोलो डिंपल के पति, ये देख सुबह से तैयार बैठे हैं दोनों, इनको देखा कितने चमक रहे हैं। क्या बात है, हमेशा ही चमकते हैं। नहीं नहीं, आज तो स्पेशल सैलून पे जाके पता नहीं क्या करा के आए, इतने गोरे बन गए। और क्या बात है, देख तो सही उनको, कितने जवान हैंडसम बन गए हैं। और ऐसे जूते उत्ते पहन के तैयार बैठे लग रहा है। तो हाँ? चिकनी चमेली, ये वो फेशियल करा के आए हैं, पूरी ब्लीच ब्लीच किसने फेशियल करा? कुछ नहीं कराई है, तभी तो इतना चमक रहे हैं। पैसे लेता है, करता है, नई बातें बोलते हैं। मम्मी फेशियल करा गया, इतने चमक रहे हैं पापा। अल्फा सिग्मा मेले आज तक जिंदगी में फेशियल नहीं कराया ना मैंने कभी, कोई क्रीम यूज करी, इन्होंने बताया मेरे कोई क्रीम यूज करी है। वो देखो कौन आ गया, वो देखो कौन आया, वो कौन आया। क्या खाना, क्या भेलपुरी, क्या कौन से टाइम की भेलपुरी? मेरे टाइम की। इसके पास तीन ही ऑप्शन है। हाँ, पहला ऑप्शन भेलपुरी, दूसरा ऑप्शन भेलपुरी, तीसरा ऑप्शन। एक सेकंड, ये मेरी कॉपी करता है, आपको पता है? तेरी कसम, मैं तो कसम से मेरी चीटिंग कर रहे हैं। प्रेरणा ने जिंदगी में अपना जो वजन घटाया था, पतली ये हुई थी, भेलपुरी खाकर के हुई थी। तो तुझे पतले होने की क्या जरूरत है? तो मेरी बड़ी बहन है, मैंने उसको कॉपी किया। पर तुझे जरूरत क्या पतले होने की? तब थी ना। देखिए अभी मैंने इसको खाना तो दिया, तो अभी भी नहीं है, भूख नहीं है। नहीं, एक सेकंड, एक बात बता, घर पे मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं और मुझे दे रही है आलू गोभी, कौन सी क्या दिया था, आलू मेथी। मैंने कहा जब राजमा चावल है तो आलू मेथी क्यों खिला रहे हो? अब फिर तेरे को भेलपुरी भी ऑफर करी है तो मुझे ही आलू मेथी ऑफर नहीं करिए। मुझे मैंने चावल झगड़ा है कि मुझे भेलपुरी खिला दो, तो फिर मुझे ही आलू मेथी क्यों? मुझे भी भेलपुरी है, राजमा चावल दो ना, तुझे भी मिल जाएगी। तुम तो फिर भेलपुरी खाते हो, ये तो रिमोट खाता है, बताओ। मैं तो आलू मेथी भी, देखो देखो पापा, मैंने आलू मेथी भी खुशी खुशी खा ली क्योंकि मेरे को पसंद है, पर जब ऑप्शन में राजमा चावल और भेलपुरी थी तो मेरे साथ ना इंसाफी क्यों हुई? मैंने कहा रात, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, राजमा चावल दे देते ना मेरे को भी, फिर मेरा आला तो खुला ही रहता है इसके आले में तो। बट ठीक है, एटलीस्ट रिमोट तो नहीं खाता। सही बात है, ये क्या खाएगा ये बताओ? रिमोट, ये देखो, ये आया मेरे साथ, ये मेरे पास आया बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से आया मेरे पास। खा जाऊं मैं, वो भी ऐसे करना। इसको सब पता, कैमरा किधर है? ये देखो कैमरा इधर जाएगा तो इधर भी देखेगा। यो वो देख, सच में चारों तरफ देख रहा है। उसको भेलपुरी खानी है, कह रहा मुझे भी भेलपुरी खानी है। ड्रामे पाजी हो गई भेलपुरी दोनों की, इधर चावल और साथ में चाय भी रख दी। प्रेरणा ने बोला चाय पीनी है तो मल्लन साहब को साथ हो गया कि अभी पी के हटे थे, कह रहे अच्छा मुझे भी पिला। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, तो वी आर बैक फ्रॉम गोवा। एंड भाई साहब क्या मतलब, एकदम बॉयज ट्रिप हुई, फन। मैं जैसी वापसी आया मम्मी कहती क्या चल रहा था नाच नचाना, मैं कहा मम्मी पार्टी यार। और अब मैं जा रहा हूँ, मैं तो नहीं जा रहा, निश्चय कहीं जा रहा है। निश्चय क्या रेडी हो गया, ओहो दिखाते एक बार स्मार्ट हीरो। ओ माय गॉड, तुम मेरे साथी, तुम मेरे। और मैं जब आया तो मेरे को लगा पहले कि अब नए घर में आ गए होंगे, बट नहीं यार, ये अभी भी उसी घर में, पता नहीं शिफ्ट ही नहीं होना चाह रहे मैं नए घर, तो अब चलो पता नहीं यही बताएंगे कब शिफ्ट होना है। तो मैंने कहा उससे पहले मम्मी को नई गाड़ी की एक राइड दे दूं। आर यू रेडी? यस। आपको पता है मैं कौन सी गाड़ी में हूं कल? बताओ। हम देख आए थे नीचे जाके। क्या बात कर रहे हो? यस। तो फिर आपका मन नहीं कर रहा उसमें बैठने का? पापा कह रहे मैं नहीं हाथ लगाता, मेरे बस का नहीं है। ये गाड़ी आई है और रखा पोर्शे ते बेंटले दी जोड़ी। दोनों कहाँ जा रहा है? ऐसे ही घूमने फिर। तो कौन सी पोर्श लेके जानी है? भाई नहीं भाई। क्यों भाई? भाई फिर भाई पोर्श नहीं, भाई नहीं, नहीं पोर्श नहीं चलानी भाई। क्यों भाई?
भाई किसी और की यहाँ ठुक जाएगी भाई को गाड़ी ठोकने की टेंशन पड़ गया है। मी यहाँ पर जो गाड़ी ठोक के लाया हुआ है अपनी, वो फिर भी पोर्श चला रहे कि क्या हो गया भाई, जिंदगी तो एक है, चलाओ गाड़ी मस्ती करो। तो फिर मम्मी पोर्श देख के कैसा लगा? अच्छा लगा, दिल करा बैठने का, लेकिन बिठाता कौन, मैं हूँ ना, चलो आओ, मुझे पता है नोनू डरेगा पोर्श लाने से, पापा से पापा तो चलने नहीं, वो पहले ही हाथ खड़े, हम चले न्यू घर से पहले न्यू कार की तैयारी में। वैसे मैं जेन्युइन तो ये गाड़ी क्यों आई है मम्मी, उसने बोला कि ले लो। अच्छा, तो मैंने कहा चलो थोड़े दिन टेस्ट करके देखते हैं, अगर अच्छी लगी तो ले लेंगे, फिर क्या बात है, नए घर जाने के लिए हम तेरी वेट कर रहे हैं कि तू आए तो फिर चले। तो आओ पहले न्यू कार की राइड करके आए, आ जाओ। सुबह ना वो गाड़ी साफ करने वाला कहता आप सफारी ले आए, मैंने कहा तेरे को सफारी लग रही है वो। तो गाइस ये देखो हमारी न्यू सफारी, ओहो भाई कसम से जो यहाँ पर मतलब भैया गाड़ी लगाते हैं ना, वो भैया कहते हैं ये सफारी है यार पोर्श है। मम्मी आज तक पोर्श में नहीं बैठे रहे, टू सीटर में बैठे हो कभी? नहीं। तो आओ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लो यार, अब आप जाओ गाड़ी में, पहले आप बैठो, मैं चाहता हूँ मम्मी इंजॉयमेंट करे लाइफ में। क्या हुआ? ये तो बहुत नीचे है, तो यही मैं तो गिर गया। भाई सही बता रहा हूँ, तभी तो हम लेते नहीं है, क्योंकि हम यार 6'3" के मैं और पापा और निश्चय, और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे है, बट इट इज़ अ लवली कार मैन, इट इज़ अ लवली कार। ये देखो ओहो, गाड़ी के अंदर पोर्श। तो हमारी जो जैगवार है उसमें तो साइड पे बटन है, वो सीट ऊंची हो जाती इसमें है इसमें भाई, सीट ऊपर और नीचे कहीं नहीं हो सकती। मम्मी कह रही है बस इतनी सी गाड़ी है, मैं कहा भाई इतनी सी है, सिर्फ ये दो सीट्स है और पीछे शीशा, चलो बस खत्म। ऊपर है, अच्छा ऊपर भी खुलता है, लो जी एंजॉय करो आप। मम्मी को तो मजा आ गया, ओपन गाड़ी में जाएंगे हम और लोग हमें देखेंगे, तो पूरी दुनिया देखेगी, सच में पूरी दुनिया देखेगी कि ये कौन सी गाड़ी है और कौन बंदा जा रहा है। चलो आज तक चलो। तो विराट कोहली को देखा था चलाते हुए, आज फुकरा इंसान को देखो, दिखाना जरा। अरे भाई भाई ये गाड़ी लेके बाहर घूमने जा रहे हो? हाँ मम्मी को ड्राइव पे लेके जा रही है। यू वांट टू सिट, जगह गए? नहीं मैं उठ जाऊंगी, आ जा इतनी तेज मत कर, डर लग रहा है। मम्मी इतने में डर गए? हाँ अभी तो ये देखो, ना 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 मैं नहीं बैठ सकती ऐसे। भाई दिल्ली के ट्रैफिक में हम पोर्श लेके जा रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पे आगे देखो कितना ट्रैफिक है, और हमारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं और बाहर से करे हेलो हेलो, मैं कहा हेलो जी कैसे हो, मैं कहा मम्मी को एक बार तसल्ली दे दो कि हाँ मजा आ गया भाई पोर्श में बैठ के, तो अभी स्पीड टेस्ट भी करवाता हूँ। नहीं स्पीड टेस्ट नहीं करनी है। ये देखो ये देखो लोग इधर से आ रहे उधर से आ रहे, सारे हेलो कर रहे हैं, ओपन गाड़ी में देख रहे हैं लोग कि कौन जा रहा है भाई, इतनी तेज चला रहा है ना ऐसे लग रहा है हवा में उड़ रहे हैं भाई, मेरे को डर लगता है ना। ये सिर्फ बॉयज बॉयज के लिए है जिनको डर नहीं लगता। मम्मी अभी तो मैं बहुत ही प्यारी स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ यार, मैं तो बस आपको एग्जॉस्ट की आवाज का मजा दिला रहा हूँ, ये देखो ये गाड़ी ऐसे भी चलती है। ये खिंचती बहुत तेज है ना, ऐसे तो एरोप्लेन में भी डर नहीं लगता जितना इसमें लग रहा है। 40 की स्पीड पे भी ऐसे लग रहा है कि बस हवा में उड़ रहे, एकदम से जब ये खिंचती है देखो तो डर लगता है मम्मी को, और कह रहा है इसकी मैक्सिमम स्पीड है 300, इनका 300 तो फिर ऐसे लगेगा मम्मी जैसे... कहते 300 पे चलाने वाला बच जाता है। मैं कहा यार मम्मी क्या बोल रहे हैं। कैसी रही मम्मी आपकी फर्स्ट सुपर कार राइड? मजा आ गया सच में, अगर तेरे को खाली जगह मिलती ना तू तो उड़ा देता, पर खाली जगह ही नहीं मिली, मैंने कहा दिल्ली में ये जगह ढूंढ रहा है कि गाड़ी में उड़ाऊं, इतना ट्रैफिक पर मजा आया, बहुत अच्छा लगा।
अभी तो मैं तुम्हारे को जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरी स्पीड ही कितनी होगी 40, 50, 60, 70, 80 तो इस ऊपर नहीं गई, क्योंकि वो सिर्फ शू 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 हो रही थी, और जैसे ही शू शू होती तो कोई गाड़ी सामने आ जाती। तो मैं बस मैं पूरे रास्ते ढूंढता गया कहीं खाली सड़क मिले, खाली सड़क मिले। एक बार मम्मी को डरा दूं अच्छे से, क्योंकि जैसी वो स्पीड लेती थी ना, मम्मी मेरे हाथ पकड़ लेती थी और फिर दो मिनट में रिलैक्सेशन, ठीक है। बट ठीक है, बहुत मजा आया, मम्मी का फर्स्ट सुपर कार की ड्राइव लेके चला गया। ऐसा कोई भी बंदा नहीं था कि जो आता जाता हमें ना देखे, हर किसी ने कोई स्कूटर वाला है, कोई बस वाला है, अरे कोई ये थोड़ी मॉडिफाइड भी है ना, इस पे इतना एकदम स्टीकर लग के पूरी स्पोर्ट्स कार बना रखी है। बट लवली भाई, गौरव भैया लव यू, मुझे बता आप ब्लॉग देख रहे हो, और बाकी मम्मी अगर लेने की सोच है तो फिर फरमाइश डालेगा पापा के लिए एक बार पापा को भी बनता है राइड करवाना, एक बार पापा तो मेरी जान ले लेंगे, वो जैसे ही मैं स्पीड तेज करूंगा इसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, अभी हैरियर ठोक के लाया। अब आपकी बारी, आओ आओ सुपर कार ड्राइव। अरे नो भाई, अरे आओ यार, डम क्यों रहे हो? और आंटी को साथ लेके जाएंगे और पीछे गाने चलाएंगे, तेरिया दावा तेरिया दावा मुंडा मार सुटिया डेट पे जाने वाले ये पोर्श में, माय गॉड खुश हो गए वो। अच्छा है, एक्साइटेड हो गए। आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं और पहली बार ऐसा है कि हमारे घर में राजमा लगे ही नहीं, मतलब किसी ने नहीं खाए। ये देखो जितने बनाए थे पूरे के पूरे एज इट इज पड़े हैं, और वो क्यों? क्योंकि प्रेरणा आई और हम अभी चावल बना ही रहे थे, चावल डालने लगे थे और उसको पता चला कि उसका चैनल हैक हो गया। मां माता जी, वैसे सही बताओ किसी का भी आपको मैं सही बताता हूँ, देखो ये मतलब चैनल हैक होना, जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको लगता है कि हाँ यार कितना मतलब चैनल हैक हो गया, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते रहते हैं चैनल हैक हो गया, पर जो क्रिएटर है ना जिसने इतने सालों मेहनत करी है उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए, देखो चैनल्स जो होते हैं ना वो एक बेबी की तरह होते हैं, तुमने उसको पाल पोस के बड़ा किया होता है, उस पर इतनी मेहनत करी होती है, वो एकदम से उड़ जाए ना, चाहे हमें पता है कि वो आ जाएगा और हर क्रिएटर को पता है कि वो चैनल आ जाएगा, बट मतलब वो दर्द जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा तुम समझ नहीं सकते। और सेकेंडली हम तो चलो देखो भगवान की कृपा टच वुड आप लोगों को इतना प्यार है और मतलब लोग हमें जानते हैं, तो जो फेमस होते हैं क्रिएटर्स और जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं ना वो थोड़ा उनको जल्दी इजी भी होता है थोड़ा रिकवर होना अकाउंट, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंस्टाग्राम्स पे जो मतलब राइजिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं और उनका इंस्टाग्राम हैक हो जाता है ना, तो मतलब मुझे बुरा लगता है, माई हार्ट गोज आउट टू यू गाइज। बट अगर किसी का ऐसे इंस्टा हैक होता है और अगर नहीं आ पाता तो गाइज यू ऑलवेज हैव मी, डीएम मी एंड मतलब कॉन्टैक्ट करो, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा, क्योंकि आज जब मैंने ऐसे प्रेरणा दीदी की हालत देखी तो मैंने कहा कि तब मेरे को रियलाइज होगा कितने सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनके हैक होते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई हैव तुम्हारी दवाया से बहुत सारे फॉलोअर्स, मैं जितना ट्वीट वीट कर सकता हूँ मैं सब करूँगा, बाकी मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं दो चार और अपने दोस्तों के भी इंस्टाग्राम अकाउंट वापस लगा, तो यस आई लव यू गाइस। और बाकी सबका मूड ऑफ था, किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, मतलब पहली बार मूड ऑफ हो गया था कि मैं तो हेड मसाज कराने लग गया था, टेंशन नहीं होती, बस सही बताओ मैंने उनको बोल दिया था 3 से 5 दिन मेरी जिम्मेदारी आएगा, चलो शुक्र राखी का फर्ज निभाना।